भैया हम लोग मनगढ़ पहुंच गए हैं बहुत ही अच्छे से, हम और शिवांक। और यहाँ का नज़ारा बहुत बहुत शांति है भाई यहाँ पे। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। काफ़ी चेंज हो गया भाई, हम लोग जब आए थे तो इस तरह नहीं था ना शिवांक, काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे चीज़ें। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं भाई। बहुत बढ़िया बन गया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश गजब का है भाई, बेहतरीन। आइए चलते हैं अंदर, फिर अंदर भी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी 3 बज चुका है भैया हम लोग को भाई। यार गजब यार लग रहा है, आप लोग देखिए ज़रा ना भव्य मंदिर, इतना प्यारा नज़ारा भाई। शाम को जब यहाँ की लाइटिंग होती होगी तो कितना गजब का लगता होगा भाई साहब। हल्की हल्की धूप है और हम लोग पहुँच गए हैं मनगढ़, और बहुत ही बेहतरीन दर्शन हो रहे हैं भाई साहब। कितना बेहतरीन, देखिए ज़रा कितना नज़ारा, कितना बढ़िया है। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी साल बाद। लेकिन भाई गजब का है भाई साहब। उधर झांकी है, झांकी भी देखेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए आपको और भी आगे चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ भैया बढ़िया प्यारा, देखिए गजब झांकी बनी हुई है। कृष्ण जी अपने बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं। बढ़िया गौ माता बैठी हुई हैं। कितना बढ़िया, मतलब कितना इनोवेटिव, कितना सोच समझ के कितना बढ़िया बनाया हुआ था। और सामने अपने देखिए नज़ारा, श्री गुरु धाम, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं, कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति है वहाँ पे। ये कृष्ण जी को देखिए, वाह। और वहाँ गेट से पूरी झांकी लगी हुई है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरे में झांकी लगी हुई है। अंदर भी है ग्राउंड के पास में, आप वहाँ देख सकते होंगे, पीछे वहाँ पे भी लगी हुई है। और मंदिर उधर साइड है। चलते हैं देखते हैं और क्या क्या चीज़ मिल जाती है। लड्डू गोपाल बने हुए हैं, कितना बढ़िया, कितना मेहनत से बनाया होगा ये चीज़ें। राधे राधे। अरे बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है ना, सोच रहे कि कैसे बनाए एक साथ। आप भाई तो कर रहे हैं बीच बीच में, वो छोड़ छोड़ के बना रहे हैं उसी तरह भाई। कितना गजब, कितना स्पेस में बना हुआ भाई साहब, बहुत बड़ा है भाई। जब हम लोग आए थे, जब बहुत पहले आए थे तो इस तरीके का नहीं था, हाँ छोटा सा था वो वाला, लेकिन अब भाई बहुत बड़ा। देख रहे क्या, इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए इतनी खूबसूरती से इसको निखारा गया है भाई, क्या बताया जाए भाई, दिल खुश हो गया एकदम। फैमिली के साथ पूरा आओ भाई, बहुत ही मज़ेदार जगह है। यहाँ पे भी देखिए, दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, इधर भी हैं, उधर भी देखिए, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, उधर भी है पूरा। चलिए अब आपको उधर भी ले चल के दिखाते हैं।
अद्भुत है भाई, अद्भुत है। कितनी प्यारी सजा, देखी तितली बनी हुई है यहाँ पे। अभी चलते हैं मेन, वहां पे दिख रहा है, वहां पे खूब बढ़िया है। यहाँ का शॉर्ट्स बना लेते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मेन यहाँ से शुरू होता है भाई साहब। यहाँ देखो कृष्ण जी जब पर्वत उठा लिए थे, उधर का आप लोग को सब कुछ दिखा दिए। अब इधर से चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं इधर का भी व्यू आपको सामने से दिख पाता है कि नहीं, और इसके पीछे मंदिर है। चलिए चल रहे हैं मंदिर की तरफ, और शाम होने को है, सूरज ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो इधर से है भैया अपना मंदिर, भक्ति मंदिर, आप वहाँ देख रहे होंगे। चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा आता है। नज़ारा जैसा भी होगा बहुत ही अच्छा होगा भाई। यहाँ से नज़ारा देखो, इधर मंदिर और इधर मंदिर, गजब का व्यू है। चलते हैं ऊपर भी देखते हैं। अंदर तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे, ना यहाँ करने देंगे ना इधर ही करने देंगे, लेकिन चल के देखने में क्या दिक्कत है। चलते हैं, चलिए देखते हैं। सुंदर। अब चलेंगे उधर सामने, वहां से देखते हैं। भक्ति मंदिर मनगढ़ दर्शन करिए, अद्भुत नजारा। अद्भुत दर्शन कृपालु महाराज के। भाई ऊपर से नज़ारा और भी इतना बढ़िया है मंदिर का, ऊपर से आप देख रहे हैं।
अब हम लोग चलेंगे नीचे, फिर निकलेंगे। सब कुछ हम लोग ने कवर कर लिया भाई, कोशिश करी जितना कवर कर पाए कवर किया, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ने कवर कर लिया है। मैक्सिमम क्या, सभी चीज़ें कवर कर लिया, शॉर्ट्स भी बन गया है, वीडियो भी बन गई, उधर की जितनी झांकी थी वो भी दिखा दिया, मंदिर का भी दिखा दिया। मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बना सकते इसलिए नहीं बनाए हैं, बाहर से जितना कुछ कर सकते थे वो सब कर लिया। गाड़ी अब हम लोग की बाहर खड़ी है, निकलेंगे बाहर, जूता वूता पहनेंगे भाई, जूता नहीं पहने ठंडी में, और जूता नहीं पहने पैर अजीब सा हो रहा है, पैर रख रहे हैं ना तो अजीब सा हो रहा है। निकलेंगे बाहर, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई है, कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर निकलेंगे इलाहाबाद की तरफ। और अपना कैमरा वैमरा बाहर ही रखा हुआ, यहाँ अलाउ नहीं है कैमरा लाना, मोबाइल लाना अलाउ है, बस ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए ठीक है, फिलहाल अब चलते हैं नीचे, उसके बाद निकलेंगे इलाहाबाद की तरफ। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मंदिर का आपने अच्छे से दर्शन किया होगा और यहाँ का नज़ारा आपने इंजॉय किया होगा। चलते हैं अब अपने घर की तरफ, इनका चश्मा उतरा नहीं अभी तक। चलिए नीचे उतरते हैं, चलते हैं।